बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरमा सनिया निश्तर साहिबा, डॉक्टर ज़ुबैदा जलाल, मेरे दोस्त आतिफ खान साहब, यूएन वुमन के हेड शर्मिला रसूल साहिबा, मिसेस होस्ट ऑफ टुडे मिसेस कश्मला तारिक साहिबा, नेशनल एंड रीजनल अम्बर्स पर्सन्स, members of the diplomatic corps, khawateen hazrat, assalamu alaikum. It is good that most of the speakers presented their statistics and described the law and described progress in this area in English. I would not like to leave any opportunity to be able to convey the message to the people of Pakistan, so with apologies I will speak also in Urdu or mostly in Urdu, because I believe messages have to be repeated again and again. This is centuries old exploitation which has been going on as far as women are concerned, and a single message doesn't work. For example, in the COVID situation, I'm sure thousands of times every television channel asked us to obey the SOPs, and then we learned to do it. So I think my best expression should be in Urdu to convey this is the dearest issue to me as far as my heart is concerned. When my mother was alive, she was an educated lady. She guided me all the time regarding the rights of women, and she talked about women and society, and she pointed out to educated women, and she pointed out to the fact that woman and work is something without which Pakistan will never progress. And that is the foundation on which Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah talked about so many times. That is the foundation of Pakistan. But historically, jab main maazi mein dekhta hoon, to hum apne asas ki talash apni tareekh se karte hain, apni islami tareekh se karte hain, aur uski wajah hai. Main aapko aage chalkar bataunga ki kyun किसी भी मसले को अगर आपने टच करना हो, एड्रेस करना हो, तो उसको हर जाविये से देखते हैं. कुछ मंतिक किसी की समझ में आएगी, कुछ मंतिक किसी की समझ में आएगी, और कोई बातें किसी की समझ में आएगी, कोई वाक़यात जो उसको आप टेलीविज़न पर लोगों तक पहुंचाएंगे, किस कोई अपनी ज़बान में सुनाएगा, वो ज़्यादा दिल को असर करती है. वरना इसका ख़ुलासा बड़ी तेज़ी से कश्मला तारिक साहिबा ख़ुद भी सुना सकती थी. मगर हम इंसानी फितरत है, हम लोगों की तकलीफ़ देखते हैं, लोगों के जज्बात देखते हैं, लोगों के अल्फाज देखते हैं, उसकी बुनियाद पर हम अपनी राय बनाते हैं. और राय अचानक भी नहीं बनती, सैकड़ों मरतबा सालों में जाकर, दहाइयों में जाकर राय लोगों की बदलती है, आहिस्ता आहिस्ता बदलती है. मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं देखा जो मेरे साथ बैठ कर एक महफिल में उसने कोई राय बना ली हो. लोग अपनी राय पर बज़िद रहते हैं, इस वजह से रहते हैं कि वो राय बनाते हैं ख़ुद भी सालों के अंदर, और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इनपुट से अपनी राय बनाते हैं. आज जो हरासमेंट के सिलसिले में, हरासियत के सिलसिले में अम्बड्समैन और जो प्रोविंशियल अम्बड्स पर्सन भी यहाँ बैठी हैं, इनके एक तो वर्क प्लेस पर हरासमेंट की गुफ्तगू है, और उसके साथ साथ एक इस साल, इस गए साल के अंदर ये जो प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से जो इनकी ताकत बढ़ी है कि औरतों को इंसाफ दिया जाए, वो एक नया रास्ता खुला है. और मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये इतना बड़ा एरिया है, और अगर लोगों को पता चल जाए तो ये जितना जितना इनका स्टाफ है, जितने ये लोग हैं, ये बिल्कुल नाकाफ़ी होंगे, क्योंकि ये बड़ा आम है कि ख़वातीन को उनका विरसा ना दिया जाए. दुनिया में आम है. मैं बात कर रहा था, मेरा विरसा तो इस्लाम से शुरू होता है, और जो सबसे बड़ी चीज़, और मैं पिछले दिनों बार बार आदमी तकरीर करे तो नया मवाद भी उसके जहन में नहीं आता, मगर कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा. पिछले दिनों मैं तकरीर कर रहा था तो मैं ये बात बयान कर रहा था कि जब इस्लाम आया तो इस्लाम के अंदर जो बचपन में सबसे ज़्यादा मैं बात सुनता था वो ये सुनता था कि औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता है. वो ज़माना वो था जाहिलियत का, प्री इस्लाम, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी सुनकर.
अच्छा, और ये बचपन से ही ये वाक़यात का जिक्र होता था कि इस्लाम इंसाफ देने के लिए आया है, जिसमें औरतों का इंसाफ सबसे बड़ा, वन ऑफ द रीजंस इट केम, वो औरत के साथ इंसाफ था। फिर सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ प्रॉपर्टी राइट्स का तायुन किया, और जब से मैं आया हूँ ये प्रॉपर्टी राइट्स का हिस्सा वो वुमन ऑम्बड्समैन पर्सन के पास नहीं था, बल्कि ये एक अलग पहलू था जिसके अंदर मैंने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को ये कहना शुरू किया कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माशरे के अंदर ये जहनियत बदलने का है। देखिए, कानून पाकिस्तान जब से बना कानून मौजूद है, कानून मौजूद है, कानून के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई, मगर पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत जगहों पर विरासत नहीं दी जाती, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो ये जो नया कानून का इम्प्लीमेंट करने का तरीका आया, ये ताज़ा एडिशन है, मगर उसूल तो 1400 साल पुराना है ना। हुआ क्या इस अरसना में, ये इतने सदियों के अंदर क्या हुआ? और ये सिर्फ मुसलमानों क्या नहीं हुआ, आज से 300 साल पहले तो ख़ास तौर पर मैं कह सकता हूँ सारी दुनिया में औरतों के ख़वातीन गसब किए गए, सारी दुनिया में। मगरब में तो थे भी नहीं, मगरब में तो मैं बार बार कोट करता हूँ कि 20वीं सदी की पहली दहाई तक औरत जो थी वो अपने खाविन की जायदाद थी, उसकी औरत की जो जायदाद थी वो खाविन की जायदाद थी, औरत की जो आमदनी थी वो खाविन की आमदनी कहलाती थी। ये 20वीं सदी की पहली दहाई तक सारे मगरब के अंदर ये कानून था, मगर अब आप ये देखिए कि इस्लाम के अंदर तो नहीं था, मगर प्रैक्टिस हमारी भी वही थी, इस खित्ते के अंदर भी वही प्रैक्टिस थी कि हम इस्लामी कानून के एतबार से औरत को विरासत नहीं देते थे। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि औरत को कमज़ोर फिजिकली समझा गया, मगर एक बड़ी तब्दीली आई है दुनिया के अंदर कि फिजिकल लेबर से आहिस्ता आहिस्ता अब इंटेलेक्चुअल माशरे के अंदर कोई प्रोपोर्शन ऑफ लेबर अगर सोचा जाए तो पहले अगर 80% या 90% फिजिकल लेबर थी, अब माशरे के अंदर शायद 40-50% फिजिकल लेबर है, और इंटेलेक्चुअल लेबर जिसका ताल्लुक अच्छी तालीम से है ये प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जब ये प्रोपोर्शन बढ़ने लगा तो इसका मतलब ये कि सारे जिन्स अगर फिजिकल एतबार से मर्द ज़्यादा तगड़ा आम तौर पर होता है तो ज़हनी एतबार से सब बराबर हैं, तो लिहाजा औरत के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी खुलनी शुरू हुई है पिछले 100 साल के अंदर, और बढ़ती जा रही है जब इंटेलेक्चुअल लेबर का हिस्सा बढ़ जाएगा। तो जब औरत काम पर लगे तो अब उसको माशरे के तासुबात से गुजरना पड़ता है। मैं चैलेंज करता हूँ इस महफिल में, कोई औरत ऐसी नहीं होगी जो मुझे या अपने दिल में, मुझे ना बताए, अपने दिल में उसके किस्सा कोई हरासमेंट का ना हो। चैलेंज करता हूँ, मैं माशरा जानता हूँ, मैं माशरे को मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। अच्छा, तो अगर ये कैफियत है तो ये माशरे के अंदर, हर घर के अंदर तो पुलिस वाला नहीं होगा ना, हर घर के अंदर कानून की पहुंच तो नहीं होगी। लिहाजा हमारी कोशिश एक तो ये है कि यकीनन कानून की ज़रूरत है, मगर मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि अगर कोई जुर्म कोई ना करे या किसी बुराई की तरफ ना जाए, कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना करे, तो 5-6 इम्कानात हैं। सबसे पहला इम्कान कि कोई कानून है या नहीं है, जैसे औरत की विरासत का कानून था, कानून है या नहीं है, पहली बात तो ये कानून है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि कानून क्या कागज़ का टुकड़ा है या कानून इम्प्लीमेंट भी होता है। बहुत सारे कवानीन भरे हुए हैं हमारे यहाँ दुनिया में जो कानून कागज़ पर हैं मगर माशरा उनको फॉलो नहीं करता, तो कानून का इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी हुआ। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये कि अगर कानून इम्प्लीमेंट होता है तो आदमी पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता, बहुत सारे माशरों के अंदर चोरी चकारी ये सब कुछ चलती रहती है कि आदमी पकड़ा नहीं जाएगा। मुझे आज तक याद है कि एक साहब, एक ज़माने में पीली टैक्सीज का किस्सा हुआ तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि मर्सिडीज 6 गाड़ियाँ खरीद सकते थे पीली टैक्सी के तौर पर,
और अगर वो 8-10 लाख की मार्केट में थी उस ज़माने में, 2 लाख की पीली टैक्सी में मिलती, कहने लगे टैक्सी ख़रीद लेते हैं। मैंने कहा क्या करेंगे, कहने लगा रखेंगे, 2 लाख रुपए में सस्ती मिल जाएगी। मैंने कहा फिर क्या होगा, मैंने कहा मैं तो बड़ा शर्माऊंगा उसमें पीली टैक्सी चलाते हुए कि अपने एक अच्छे खासी गाड़ी चलाते चलाते पीली टैक्सी चलाने लगे आप, क्यों मर्सिडीज़ है। कहने लगा डॉक्टर साहब 2 साल में ये कानून वानून के साइड से रास्ते मिल जाएंगे, फिर हम रंग लग करके फिर निकाल लेंगे बाहर। ये सही कहानी आपको सुना रहा हूँ। उसको 5 लोग मिल गए, छठा नहीं मिला मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला। मगर कानून फिर इम्प्लीमेंट भी होता है, नहीं होता ना, कानून तो था। अच्छा, चौथी चीज़ ये है कि फिर जजा और सज़ा मिलती है नहीं। मैं सनिया निश्चर साहिबा आपकी बात से बड़ा खुश हुआ इस बात को कि आपने ये बात बयान फरमाई कि सज़ा और जजा के साथ आपने एक इंसेंटिव भी दिया है, और इंसेंटिव ये दिया है कि औरत बच्ची काउंट हो, बच्ची को तालीम के हवाले से इंसेंटिव मिला, माँ को उस घर को कि बच्ची को पढ़ाई की तरफ लाए। मैं एक मरतबा दुबई गया तो एक पार्टी है दिल्ली की जो नई पार्टी बनी, उसके लोग आए तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ बड़ी तब्दीली आई कि जब हमने बच्चों को हमारे यहाँ भी ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, बच्चे दाखिले कम हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, तो हमने बच्चों को दोपहर का खाना देना शुरू किया, तो नतीजा ये हुआ कि बच्चे बढ़ गए। मगर एक और कैफियत हुई, कैफियत ये हुई कि बच्चे बढ़ गए और एक घर से अगर लड़के भी बढ़ गए, लड़कियां कम हो गईं, क्योंकि एक घर से आया, उन्होंने कहा लड़के का एक तासुब है हमारे माशरे में, इसको तो अच्छा खाना मिल जाए, तो लड़कियां कम हो गई उस प्रोग्राम में और लड़के बढ़ गए। तो इसके अजीब कैफियतें पैदा हो जाती हैं जब माशरे के अंदर एक कैफियत हो कि जिसके अंदर मर्द को प्रेफरेंस दी जाए और औरत को नहीं दी जाए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि सज़ा और जजा, मगर इससे बढ़कर एक चीज़ और है जो मैं स्टिमुलेट करना चाहता हूँ आपसे, जो बात कर रहा हूँ वो ये कि माशरा क्या कर रहा है। मैंने अगर यहाँ ये औरतें बैठी हैं जिनके मुतालिक मैं ये कह रहा हूँ कि तकरीबन सबको कहीं ना कहीं हिरासा किया गया होगा, तो माशरा क्या कह रहा है? माशरा क्या सिर्फ हरासमेंट कर रहा है या माशरा रोक भी रहा है? तो ये जो रुकावट है ये तो दिल से निकलेगी, ये कानून से नहीं निकलेगी, ये दिल से निकलेगी। अच्छा, और दिल से कैसे निकलेगी? कभी मजहब से निकलेगी है? तो देखें, जब मैं कोई बात करता हूँ तो मैं सारे टूल्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ। किसी बच्चे को मैं कोई लालच दूंगा, कोई ये कहूँगा कि तुम्हें ये टॉफ़ी मिल जाएगी, तुम ये अच्छा काम कर लो, पढ़ाई कर लो, किसी को शाबाश दूंगा, किसी पर सख्ती करूँगा। ये हर एंगल से इंसान के जहन के अंदर रास्ता तलाश करता है आदमी। तो लिहाजा जो मजहब का एंगल है वो बड़ा मजबूत है, मैंने चौथे नंबर पर आपके सामने रखा। हालांकि जहां पर ये लागू है तो ये टप है, क्योंकि ये अंदर से आदमी अपने आप को डिसिप्लिन करता है। पांचवें, फिर मैं आपसे कहता हूँ माशरा। मजहब हो गया, फिर माशरा। माशरे की रीत क्या है? अगर माशरे में करप्शन एक्सेप्टेबल है, अगर माशरे में हरासमेंट एक्सेप्टेबल है, और अगर माशरे में औरत को जायदाद ना देना एक्सेप्टेबल है, तो माशरे में यही होता रहेगा और यही हो रहा है। तो लिहाजा वो माशरा जो इस चीज़ को कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, लोगों का बायकॉट नहीं करता, लोगों को ख़राब नज़र से नहीं देखता, उस माशरे के अंदर फिर पुलिस का सहारा ज़्यादा लेना पड़ेगा। मगर एक बदलती हुई और उभरती हुई कौम को कोई पैसा नहीं लगता इस बात के अंदर कि उसका मिजाज बदला जाए, उसकी अपनी सोच बदली जाए, पैसा इसमें नहीं लगता। मगर एक क़यादत चाहिए आप जैसे लोगों की, एक प्रचार चाहिए इस बात का, जिसके अंदर आपने खुद जिक्र किया यहाँ पर कि टेलीविज़न मीडिया, ये टेलीविज़न एक इंडस्ट्री बन गई है जो एंटरटेनमेंट की है, जिसके अंदर सारी चीज़ें चल जाती हैं, जिसमें रेटिंग ज़्यादा होती है वो चल जाती है, मगर कोई ज़िम्मेदारी भी तो है। मैं यहाँ खड़ा होकर बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मगर मेरी ज़िम्मेदारी भी तो है कि माशरे को एड्रेस भी तो करूँ। तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक ज़िम्मेदारी ये है। लोग बाज़ ये कहते हैं कि जी हमने तो सिर्फ माशरे की हकीकत दिखानी है, जैसी गंदी है जैसी अच्छी है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, ये है माशरे की हकीकत। मगर इतनी ही खूबसूरत हकीकत आप अपने बच्चों को दिखाने के लिए तैयार नहीं होते। जब बच्चों को आप सारे दिन जब उनसे गुफ्तगू करते हैं तो आप गंदी चीज़ों से बचाकर अच्छी चीज़ों का प्रचार करते हैं अपने घर में,
और जिस चीज का हुकूमत ने लाइसेंस दिया है, माशरे ने टेलीविजन वालों को लाइसेंस दिया है कि तुम्हारे हमारे घर में एंटरटेनमेंट हमको दिखाओ, वो इस बात का उसके ऊपर अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और जहां आप कुछ करने जाएं तो वो कहते हैं जी हमें तो हाथ मत लगाओ, हम तो खुद अपने आप को कंट्रोल करेंगे। तो उनको मैं इनक्रेज करना चाहता हूँ, आपके ड्रामा सीरियल जिसमें औरतों के खिलाफ वायलेंस दिखाया जाता है, ये एक नॉर्म बन जाता है। मैं हमेशा ये सोचता था कि जिन घरों के अंदर वायलेंस होता है, उन घरों के अंदर वायलेंस परपेट्रेट होता है थ्रू जनरेशंस, क्योंकि वो देख लेते हैं। यही मैं समझता हूं कि अगर ड्रामों के अंदर ये नॉर्म बन जाए कि खानदान और घर टूट रहा है, और ये नॉर्म बन जाए कि वायलेंस होता है, तो उन घरों के अंदर वायलेंस एक्सेप्टेबल होने लगता है। तो लिहाजा जहाँ प्रचार करने की ज़रूरत है, माशरे को तब्दील करने की ज़रूरत है, उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि टेलीविज़न का भी रोल हो, हर हथियार हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तालीम का रोल हो। औरत की तरक्की के अंदर तीन चार चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, उसकी सेहत, उसकी फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज जो मामले को उसकी सेहत को ख़राब करती हैं, मेल न्यूट्रिशन बढ़ाती हैं, वो मुझे अलग गम है। यानी हर चीज़ के एतबार से हमको हर चीज़ एड्रेस करनी है। हमारे यहाँ फैशन हो गया जनाब, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती, बॉटल फीडिंग शुरू हो गई। यानी जब से इंसान पैदा हुआ, जब से वो ब्रेस्ट फीडिंग करता आया, इस ज़माने में आकर मार्केटिंग कंपनीज ने और सोसाइटी ने समझा नहीं, इन्फेंट फीडिंग फार्मूला आ गए, ये करो। तो हमने वी अनलर्नड द प्रोसेस, जो नेचुरल प्रोसेस है उससे हट गए। अब हमारे यहाँ मैल न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि औरत के मुकाम के लिए ज़रूरी है मुकाम कि सेहत उसकी अच्छी हो, दूसरा माशरे के अंदर अकोमोडेटिव कैफियत हो, कि अगर वो जॉब पर है तो औरत के एतबार से कोई जॉब हो सके। कल ही मैं किसी की खातून की कहानी सुन रहा था, बड़े नॉर्मली वो मुझको सुना रही थी कि जी वो तो फुल टाइम जॉब है, तो लिहाजा मैं तो फैमिली को भी वक्त देना चाहती हूँ, तो कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों गुंजाइश नहीं? गुंजाइश अब माशरे के अंदर पैदा करनी चाहिए। और आजकल एडवर्टाइजमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, जो मुझे खुशी हुई, बैंकों के एडवर्टाइजमेंट्स खास तौर पर, कि वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, हम चाहते हैं कि औरतें और डिफरेंटली एबल्ड लोग और माइनॉरिटीज़ अप्लाई करें। तो कम से कम एक प्रोएक्टिव कैफियत है। तो खैर, कमिंग बैक टू द हरासमेंट इशू, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद परेशान हुआ। मैं इनके सारे केसेस जो है वफाकी मोहतसब के या दूसरे ऑम्बर्समैन, टैक्स ऑम्बर्समैन, इंश्योरेंस ऑम्बर्समैन बैठे हैं, सारे केसेस जो अपील आती हूँ मैं खुद देखता हूँ, खुद पढ़ता हूँ। अब एक हरासमेंट का केस, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक हरासमेंट का केस आया और मैंने कहा कि जी इसको मैं खुद सुनना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सुने। मुझे शर्म जब आई जब मुझसे ये कहा गया कि नहीं जी आपको, मैंने कहा कि खातून को पहले सुन लूँगा, जो इसको हिरासा कर रहा है उसको बाद में सुन लूँगा, अलग सुन लूँगा। उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं हो, कानून ये कहता है कि आमने सामने बिठाएं। मुझे खुद शर्म आई इस बात के ऊपर कि वो औरत जो हिरासा किया किसी आदमी ने, उसको फिर मैं ये तीसरी चौथी मरतबा कर रहा हूँ, पहले कश्मला साहिबा के यहाँ शायद आमने सामने बात हुई हो, मैं तिबारा इसको यहाँ पर आमना सामना करा रहा हूँ। औरतें शर्माती हैं। ये जो मेरी गुफ्तगू है वो ये है कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि यहाँ भी तुम प्रोटेक्टेड होगी, और औरत घबराती इस बात से है कि मैं जाऊँगी, मेरा मामला हल हो ना हो, मैं तो माशरा मुझे और मज़ीद तासुब की नज़र से देखने लगेगा। तो ये जब तक उसको अश्योरेंस नहीं होगा कि शी इज़ वेल प्रोटेक्टेड, तो ये जो यहाँ ख़वातीन बैठी हैं जिनके मुतालिक मैं तीसरी मरतबा अब ये कह रहा हूँ कि मस्ट हैव बीन हरेस्ड इन लाइफ, तो औरत आएगी कैसे? 1500 अगर आई पिछले साल में, तो दैट मीन्स औरतों को कॉन्फिडेंस नहीं है अभी तक कि आए। मगर एक रास्ता आपका एक अच्छा खुला है कि औरतों की प्रॉपर्टी के एतबार से, और पिछले ही दिनों मुझे इस बात का ज़्यादा इल्म हुआ जब फरोह नसीम साहब के साथ बैठ कर हम बात कर रहे थे, तो इस बात का ज़्यादा इल्म हुआ कि ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की वाहिद बात नहीं है, ये हर प्रॉपर्टी की बात है। यानी अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है या उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, अगर उस पर कोई काबिज है तो ये मुहतसिब उसको आज़ाद करा सकता है।
औरत के लिए ये स्पेसिफिक कानून है। कभी प्रोएक्टिव कानून बनने चाहिए ना। प्रोएक्टिव का मतलब कि ये दबी हुई है, पिसी हुई है, इसको सहूलत देना, इसको इसकी मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है। सनिया निश्तर साहिबा ने कहा कि हमने हर प्रोग्राम के अंदर 50% प्लस की बात की, नहीं कर सके हो तो तलाश करके लाओ। तो लिहाजा ये कानून जो है ये प्रोएक्टिव अंदाज से औरत को आगे लाता है। मैं बड़े इस ये अच्छी बात है कि पिछले चंद सालों के अंदर औरतों की हरासमेंट के इश्यूज जो हैं वो मीडिया अच्छी तरह से उठाता है। कल परसों मैंने और आपने देखा कि एक आईबीए का भी इंसिडेंट है, मैं उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दूंगा क्योंकि वाकई लोगों के लिए ये कैफियत है कि इसका क्या होना चाहिए। तो लिहाजा मगर के बात उठी तो कि औरत को कहीं हरासा किया गया, ट्रांसपोर्ट के अंदर, बसेस के अंदर, जब वो गाड़ियाँ चलाती हैं, जब स्कूटर चलाती हैं, जब हर जगह पर अपने जॉब में उसको हरासा किया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़माना अब बदलना चाहिए। मैंने जैसे आपसे कहा कि इसको इंसान को और माशरे को बदलने में मेहनत दरकार है, पैसा नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमने इस प्रॉपर्टी के लिए इससे कबल के ये कानून बना, हमने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के साथ ये तय किया था कि हर कोई पोस्टर बने, इसमें लॉ मिनिस्ट्री हमारी मदद कर रही थी, अब यहाँ से भी मदद होगी, लॉ मिनिस्ट्री मदद कर रही थी कि ये जो कानून है इसको ट्रांसलेट किया जाए और हर मस्जिद में ये पोस्टर लगाया जाए। पिछले दिनों बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया और उन्होंने ये कहा कि औरत अपने नाम प्रॉपर्टी अपनी, जब तक उसके नाम उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी वो किसी को हिबा नहीं कर सकती। और लाहौर के अंदर जो गुफ्तगू हो रही थी उसके अंदर गवर्नर साहब ने ये बात बताई कि वहाँ इंग्लैंड के अंदर कोई ऑफिशियल था जो ये प्रॉपर्टी गिफ्ट्स वगैरह के हवाले से डील करता था, तो उसका कहना ये था कि क्या बात है कि पाकिस्तान में सिर्फ औरतें ही अपने भाइयों को गिफ्ट करने आती हैं, भाई कोई औरत के नाम गिफ्ट नहीं करता। एक अनोखा सवाल, भाई अगर गिफ्ट है तो ये सबके लिए क्यों, भाई को मोहब्बत नहीं आती कि औरत के नाम गिफ्ट कर दे अपनी बहन के नाम। तो ये एक्सप्लॉयटेशन है माशरे का, इसको पहचानिए। ये कल्चर नहीं है, ये कल्चर है मजहब नहीं है, इस कल्चर को बदलना पड़ेगा। और मैं खैर इसकी वजाहत नहीं करूंगा कि कितना आम है क्योंकि ये भी अच्छा। और ये भी जहन में रखिए कि हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे, अगर मगरिब की दुनिया हमारी तरफ देख रही है देखा करे, ये तो हमारा अपना काम है, हैं? इसको ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए, ये पाकिस्तान का अपना काम, किसी से कोई ताल्लुक नहीं। हमें जब तक औरत प्रोटेक्टेड नहीं होगी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत की के हवाले से जवाब दें। और आई रिपीट वाक़या कि हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि क्या रियासत मदीना सिक्योरिटी के एतबार से तुम्हारे जहन में क्या बात है, तो उन्होंने ये कहा कि एक औरत जेवर से लदी हो, यमन से निकले और अजम तक जाए, यानी शुमाल सऊदी पेनिनसुला का, और वो ये महसूस करे कि वो सेफ है। अच्छा, ये 1400 साल पहले की बात है और हमने वो जवाल देखा अपने यहाँ ऐसा वैसा कि हम बिल्कुल उसके उलट चलने लगे। ये मीनार पाकिस्तान का वाकया कितना तकलीफ दे, वीडियोज़ बनती रहीं, कोई रोकने वाले वहाँ नहीं थे। तो ये माशरा जो है इसको अपने अंदर अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि ये ऐसे वाकयात नहीं हों। ये हम अपनी नज़रों में गिर जाते हैं अगर माशरे के अंदर ऐसे वाकयात हों, और इत्तेफाकिया वाकयात जुल्म ज़्यादती कत्ल होते रहते हैं, हर माशरे में होते हैं, मगर इज्तमाही एतबार से अगर माशरा रिस्पॉन्ड नहीं करे तो वो एक कमज़ोरी की कैफियत है। कल्चर तो ऐसा होता है कि इज्तमाही लेवल पर बग़ैर पुलिस के आदमी उसको 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 फॉलो करे। मैं जापान की मिसाल देता था कि जब सुनामी आया तो 200-300 लोगों की लाइन होती थी उस कैफियत के अंदर पानी की बोतल लेने के लिए, तो कोई लाइन नहीं तोड़ता था। ये होता है कल्चर का प्रेशर। तो मज़हब, कल्चर, कानून का इतलाक़ और इतलाक़ के साथ सज़ा और जज़ा, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और माशरे की आगही ज़रूरी है, माशरे की आगही कि क्या तुम्हारे हकूक़ हैं, जिसको कशमला तारिक साहिबा ने और आप सब लोगों ने यहाँ बयान फरमाया कि क्या तुम्हारे हकूक़ हैं, उनको पहचानो। और ये भी जान लो कि तुम्हारे हकूक़ को
ताकत देने के लिए, तुम्हारे हकूक को प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम आपने किया और जो लाहौर में किया, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि लाहौर में भी किया, इसके ज़रिए इन ख्वातीन को तो शायद सब कुछ मालूम होगा, मगर इसके ज़रिए टेलीविज़न के ज़रिए जितने आप अच्छे फैसले करेंगी करेंगे, मुतसिबीन को मैं बार बार कहता हूँ, वो आपका टीवी शॉट बनता है, अपने आप ही बनता है, खबर बनती है, अखबार में आता है कि आपने किसी मज़लूम औरत के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, ये रोज़ाना की खबर है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंसाफ पर मबनी माशरा तरक्की करता है, ज़राए पर मबनी नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज कहीं हों, उस पर तरक्की नहीं करता, इंसाफ पर मबनी माशरा तरक्की करता है। और वैसा ही माशरा इंशाल्लाह आप सब लोगों की मेहनत के साथ और आप सब लोगों की अगर मुल्क के अंदर आगही पैदा कर दें तो हम सब की कोशिशों से एक इंसाफ पर मबनी माशरा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। शुक्रिया ख्वातीन हज़रात।